शिट मैन, हियर इट कम्स, फक भाई साहब। गाइस ये देखो, ये क्लच टूट चुका है आधा, इधर से फ्रंट डिस्क ब्रेक देख, ये इधर से वैसे ही टूट निकल गई है। देखो ये डिस्क ब्रेक, ये। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द मनी राइड। वेल एक्चुअली सीन कुछ ऐसा ना कि आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की, इस बाइक की सर्विस कराने। सेकंड सर्विस है, फर्स्ट सर्विस तो मैंने आपको बता दी थी। सेकंड सर्विस वैसे तो हमें पठानकोट जाना था, लेकिन एक्चुअली थोड़ा काम आने की वजह से हम जा रहे हैं अब सीधा इधर ही कहाँ मटोर। सो चलते चलते बताता हूँ, अभी हम लेट हो चुके हैं गाइस। पहले ही एक्चुअली टाइम हो गया 10:15 हो गए हैं। हमको जाना था पठानकोट इसकी सर्विस करवाने के लिए, लेकिन एक्चुअली काम ये है कि हमको कहीं और भी निकलना था, और पठानकोट लगभग इधर से 100 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, सो दैट हम नहीं जा पाए। सेकंड सर्विस हमने इधर ही कांगड़ा शोरूम KTM सर्विस सेंटर में करवानी पड़ेगी। वैसे तो बेकार सर्विस है उनकी, लेकिन फिर भी यार करवानी पड़ेगी। अब क्या है, 3 फ्री सर्विसें करवा लेता हूँ, देन आफ्टर फिर पठानकोट ही सर्विस करवाऊँगा। आज वैसे पूरा फुल मन बना के आया था कि भाई सर्विस करवानी तो सिर्फ पठानकोट जाऊँगा, लेकिन भाई सर्कमस्टांसेज ऐसे हैं कि अभी कांगड़ा में जाना पड़ रहा है उधर सर्विस कराने के लिए सेकंड, क्योंकि 5.5 महीने हो गए हैं, क्योंकि सेकंड सर्विस की वैलिडिटी होती है 5 महीने या फिर 7500 किलोमीटर। लेकिन भाई 7500 तो क्या रही चली है, ये 4045 किलोमीटर चली है और 5.5 महीने हो गए हैं। लेट्स सी, क्या पता वो सेकंड सर्विस किक करके थर्ड सर्विस करा दे, लेकिन जैसे तैसे उनको फुसला के सेकंड करवा ही लेंगे। गाइस अभी फिलहाल मिलते हैं आपसे उधर ही सर्विस सेंटर में, तो बताता हूँ आपको उधर ही कि क्या होता है सेकंड सर्विस में, क्या क्या चेंज होगा। फर्स्ट सर्विस में तो सिर्फ इंजन ऑयल चेंज हुआ था और एक फिल्टर हुआ था, 1760 रुपये लग गए थे उसके, लेकिन इस सेकेंड सर्विस में पता नहीं क्या था। आई होप, लेट्स सी। भैया सर्विस करवानी थी इसकी, सेकंड सर्विस। A few moments later. ये चेक करो गाइस, भाई की नई बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है। ये देखो ओ भाई, अभी तो नंबर भी नहीं आया इसका। क्या स्किट हो गई थी क्या, ये स्किट हो गई थी? अरे भाई नई बाइक है ना, अभी तो नंबर भी नहीं आया इसका। शिट यार, ओ भाई यार देखो, इधर डेंट पड़ गया एक, इधर पीछे का ये टूट गया खतरनाक तरीके से, फेयरिंग टूट गई उस तरफ की, ये वाली फेयरिंग। ये देखो हेडलाइट तो वैसे ही काम की नहीं रही है। नई बाइक अभी नंबर भी नहीं मिला इसको, ये चेक करो। AC 1894 किलोमीटर ये चली है इतनी टोटल। शिट मैन, ये देखो ये क्लच टूट चुका है आधा इधर से। ये देखो ये क्लच तो थोड़ा हार्ड हो गया, लेकिन अपने फ्रंट डिस्क ब्रेक देख, ये इधर से वैसे ही टूट निकल गई है। देखो ये डिस्क ब्रेक, ये बुरे हाल से। शिट मैन, हियर इट कम्स, फक भाई साहब, ये तो गाड़ियाँ कंडम ही होती है भाई। आज का दिन ही बड़ा ख़तरनाक है। पहले ये ड्यूक 200 न्यू, अभी 1.5 महीना हुआ ली हुआ, वो आ गई, उसका एक्सीडेंट हुआ। देन RC 2022 मॉडल, वो खड़ी है उधर खतरनाक, ये दोनों सुबह सुबह एक्सीडेंट हुआ, एक तो पूरे पहाड़ से टकरा गई थी, और ये जो है ये बाइक वाला ठोक के चला गया, गाड़ी वाला ठोक के चला गया इसको। भाई आज का तो दिन ही खतरनाक है भाई साहब, सुबह से देख रहा 2 गाड़ियाँ आ चुकी हैं अभी फ़िलहाल इधर, जो पूरी तरीके, एक तो वो पूरी तरीके से कंडम है, इसका कुछ हो सकता है। A few minutes later. ओ भाई हियर वी गो, अपना काम हो गया, पहले आए पहले पाओ वो वाला सीन हो गया, जल्दी से की सर्विस। एक्चुअली ये सब है इसमें क्या डाला, इससे तो अच्छा भाई चेन क्लीनिंग घर में कर लेते, 146 रुपीज चेन क्लीनिंग के लगे। हम निकलते हैं भाई, मेरा तो मन ख़राब हो गया सुबह सुबह ऐसी बाइक्स को देख के। वो यार अपनी ड्रीम बाइक को मैं जैसे टूटता हुआ कैसे देख सकता भाई, मेरे से तो रोना ही आ गया था। ओ भाई फाइनली सीन पता क्या था, मैं गया और सबसे पहले पहुंच गया उधर, और उन्होंने सर्विस पे पहले लगा दी बाइक। पता क्या क्या डाला, अब मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या डाला। सबसे पहले तो इंजन ऑयल उन्होंने चेंज करा, देन ऑयल फिल्टर होगा वो चेंज करा, ऑयल फिल्टर चेंज करा, देन आफ्टर एयर फिल्टर भी गंदा हो चुका था वो भी चेंज करवा दिया, चेन सेट थोड़ा सा टाइट करवाई, चेन लूप कराई, चेन क्लीन करवाई,
देन एक चीज और डाली, हाँ कूलेंट भी डाला, फिर टॉप अप किया कूलेंट, जो कि बहुत कम हो चुका था। आई डोंट थिंक सो, एक बार गिरी थी मेरे से, तब गिरा था थोड़ा उसी के चक्कर में। सो बाकी ओवरऑल ठीक था, अभी गियर थोड़े हार्ड हो गए हैं ब्रो, पता नहीं कैसे अब। सो गाइस यही था बस आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सेकंड सर्विस की फ्री थी, हाँ कॉस्ट तो मैंने आपको बताया नहीं, लगभग 2060 रुपये लगे, 1580 रुपये लगभग इंजन ऑयल के, 200 कुछ का एयर फिल्टर था, 72 रुपीज़ का ऑयल फिल्टर था, एंड चेन क्लीनिंग के 143 समथिंग रुपीज़ लिए इन्होंने। टोटल मिला के हो गए 2060 रुपीज़ टोटल, और काम भी जल्दी हो गया और जल्दी फ्री भी हो गया। अभी कहीं जाना निकलना है तो जा सकते, पहले वो ड्यूक 200 आई भाई साहब, उसको गाड़ी वाला ठोक के चला गया। सेकंड जब आरसी 200 आई ना, ओ भाई आंखों से पानी आ गया यार, मतलब इतना बुरे हाल से एक्सीडेंट हो चुका है ना उसका, उसमें मिट्टी लगी हुई उसके हैंडल पे बुरे हाल से। अरे भाई आगे चल ले, पूरे हैंडल पे मिट्टी लगी हुई बुरे हाल से, मतलब ये आगे वाला पूरा हेड उखड़ के ऐसे झूल रहा था, जम कर रहा था। सो यही था यार, सो यही था बस गाइस आज की वीडियो से, किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की वॉचिंग द मनी गाइड्स।